हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस के एग्जाम नोटिफिकेशन आने के साथ ही आपके द्वारा यहां पर अलग अलग समय पे कुछ सवाल किए गए जिनका आज मैं यहां पे जवाब देने जा रहा हूं। जो पहला सवाल यहां पे किया गया कि क्या यहां पर सर इस बार जो नोटिफिकेशन आया उसकी जो पोस्ट आई है वहां पर आपको कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा ही फॉर्म भरे जा सकते हैं, क्या सभी के द्वारा फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं क्या, या यहां पर देखा है सिर्फ साइंस साइड के स्टूडेंट भरने वाले, आर्ट साइड के स्टूडेंट नहीं भर सकते क्या, ऐसे सवाल किए गए हैं। दूसरा यहां पर देखिए एग्जाम सेंटर्स को लेकर सवाल है कि किस तरीके से यहां पर अलॉटमेंट होंगी, और तीसरा यहां पर आपको सवाल है कि यहां पर क्या फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, उसको लेकर के क्या समस्या आ रही। तो इन तीनों ही चीजों को बहुत ही आसान शब्दों में विद एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, और नोटिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं, इसी नोटिफिकेशन में बताऊंगा जो बातें यहां पर आपको नोटिफिकेशन लिखी है वो ऑफिशियल जानकारी है और आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। इससे अतिरिक्त किसी की कोई भी बात यहां पर ना सुननी है ना माननी है, अपनी तैयारी पर फोकस करिए, जो जानकारी है वो यहीं पर लिखी हुई है। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो मैं आप सभी से कहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लेगा, मैक्सिमम आप समराइज कर सकते हैं आधे घंटे, पूरा नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ सकते हैं, और कहीं भी ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपको आसान शब्दों में कुछ मिनट में आपको सारी चीजें मैं समझा देता हूं, तीनों सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहले यदि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं उसके दो रीजन हो सकते हैं, पहला या तो आपके पास ओटीआर नंबर नहीं है, और दूसरा या फिर टेक्निकल एरर होगा। इसके अलावा तीसरी कोई समस्या यहां पे नहीं है। अगर आपके पास इस दोनों ही समस्याओं को लेकर के इसका निस्तारण कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, जिन बच्चों को ओटीआर यहां पर अभी तक नहीं भरा है, मैंने आरओ के एग्जाम फॉर्म भरा था तब भी मैंने बोला था यूपी का कोई भी एग्जाम आ रहा है वहां पे आपको ओटीआर भरना अनिवार्य है, ओटीआर जाके भर लीजिए। नहीं भरा है तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा एक ऑप्शन है। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे यहां पे यूपीपीएससी की है वहां पे जाइए, यहां पर एक आपको लिंक मिल रही होगी otr.pariksha.nic.in, इस पर क्लिक करिए और वहां पर जाके जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको क्रम बाय क्रम वहां पे स्टेप बाय स्टेप भरिए, और वहां पर उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था ओटीआर कैसे भरें वो, उसको भी आप वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे वेबसाइट पे जाइए, इस पर आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत फिर आपको यहां पर देखिए upsc.nic.in पर जाकर अपना आप ऑनलाइन आवेदन यहां पे सबमिट कर सकते हैं, यानी कि पहला जो चरण है वो ओटीआर भरना है और दूसरे चरण में जाकर फिर पीसीएस का फॉर्म भरना है, क्योंकि उससे ओटीआर एक नंबर मिल जाएगा, उसी ओटीआर नंबर से आपका जो पीसीएस फॉर्म होगा वो ओपन होगा। इसके संदर्भ में यहां पर मैं आपको बता दूं टोटल चार चरण यहां पर आपको बताए गए, इन्हीं चार चरणों में आपको पूरा फॉर्म भर जाएगा, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। पहला ही पेज नोटिफिकेशन खोलोगे ये सारी जानकारी लिखी हुई है, ठीक है। पहले चरण में देखिए यहां पे आपको प्रथम चरण में आपको ऑथेंटिकेट करना है अपना ओटीआर नंबर, तो ऑथेंटिकेट यहां पर ओटीआर नंबर जब आप प्राप्त कर लेंगे तो ओटीआर नंबर को यहां पे आप भरेंगे, उसको कंप्लीट करिए, अगर आपको कंप्लीट है तो यस और नो का ऑप्शन मिलेगा, यस पे क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करके ऑथेंटिकेट यहां पे फॉर्म को भरना है। उसके बाद अभ्यर्थी की जो समस्त सूचनाएं हैं, व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता यहां पर आपको भरनी होगी, जो कि आपके पास अगर कुछ अलग से यहां पर पद इत्यादि उसको वहां पर आपको कुछ अनिवार्य जो अर्हताएं हैं, ग्रेजुएशन है, किस डिग्री से है, कौन कौन से सब्जेक्ट इत्यादि से है, तो वो सारी जो जानकारी है वो यहां पर आपको भर देनी है। इसके अलावा कोई डिग्री डिप्लोमा इत्यादि है वो भी सारी चीजें यहां पर आपको भर देनी है। उसके बाद दूसरे चरण में यहां पर आपको ये फॉर्म भरने के बाद यहां पर देखा है पार्ट टू आ जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी को आवेदित पद के सापेक्ष एप्लीकेशन पार्ट टू के लिए सबमिट डिटेल्स यहां पर भरनी है। अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्थायी एवं पत्र व्यवहार के संदर्भ में यहां पर देखा जाए का पता ओटीआर से स्वतः प्रदर्शित होगा, और साथ ही एक ही पद से संबंधित अधिमानी अर्हताएं भी होंगी। तो यहां पर देखिए जो एग्जाम सेंटर की बात हो रही है कि किस एग्जाम सेंटर यहां पर जो मिलेगा, यहां पर देखिए आपने ओटीआर में जो पता भरा है यहां पर कौन सा पता है कि सबमिट डिटेल पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का यहां पर पता ओटीआर से स्वतः प्रदर्शित यहां पर होने लगेगा। तो दोनों ही तरीके पत्र व्यवहार को लेकर भी है, यानी कि आपको करंट और आपका परमानेंट एड्रेस वहां पर होगा, करंट बेसिस पे आपको यहां पर एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे, आप वहां पर जाके फॉर्म ना मतलब एक तरीके से फॉर्म एग्जाम देने के संदर्भ में, तो बेसिकली आप जहां रह रहे हैं उसके आधार पर अलॉटमेंट होती है। इसके बाद यहां पर आपको तीसरा चरण आना है जहां पर फीस इत्यादि को लेकर आपको फिल करना है, और चौथे चरण में यहां पर जाकर के फाइनल यहां पर अपना एक आवेदन जो है उसका प्रिंट ले लीजिए। कोई समस्या त्रुटि होती है तो वापस से आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पर क्लिक करना है, और उसमें कोई संशोधन करना है तो आप उसे वहां पर ठीक कर सकते हैं। तो बस चार चरण में आप पूरा फॉर्म यहां पर भर सकते हैं, कोई यहां पर बिना किसी समस्या के। अब बात आती है दूसरा जो एग्जाम सेंटर को लेकर के, देखिए उसको लेकर के टेंशन नहीं लेनी है।
सबसे पहली चीज, अगर आपने दोनों एड्रेस यहाँ पे भरे हैं, कोशिश करिए एक ही भरने, अगर दोनों मान लो आपने भरे भी हैं तो वहां पर आपके लिए बेसिकली जो एग्जाम सेंटर हमेशा अलॉटमेंट होते हैं स्टूडेंट्स के करंट स्टेटस के आधार पर जहां पर रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस पे जानते हैं बच्चे, क्योंकि तैयारी के संदर्भ में मोस्टली बाहर जाते हैं, जहां का एड्रेस हो वहां से आपको अलॉटमेंट किए जाते हैं। तो एक जो तार्क कहता है, रीजन कहती है कि आपको जो करंट स्टेटस होगा उसके आधार पर आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। तो दोनों ही आपने डाला हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं वहां के एड्रेस के हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर अलॉट होने से आपको ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि एक 5 किलोमीटर के दायरे की जो बातें भी चल रही हैं, अगर उस आधार पर भी या आप ही के जिले में सेंटर दे दिया जाए तो एक बहुत अच्छा प्रोसेस ये रहेगा कि आपको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता। अगर दूसरे भी जिले में दिया जाए तो सिर्फ एक ही जिले का अंतर रखा जाए, ऐसा ना हो कि आप रह रहे हैं गाजियाबाद में और आपको सेंटर प्रयागराज में दे दिया जाए, या प्रयागराज में आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको मेरठ दे दिया जाए, लखनऊ दे दिया गया, तो यहाँ पर 300-500 किलोमीटर किलोमीटर की दूरी तय करने पड़ी। तो यहां पर बच्चे स्टूडेंट को रुकने, खाने पीने, ट्रैवल करने का एक जो मेंटली और वहां पे फिजिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो इससे यहां पर आयोग को भी बचना चाहिए और आपके लिए यहां पे सुटेबल होगा। तो करंट एड्रेस पे अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो वो बेटर रहेगा। इसी तरीके से तीसरा जो है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या यहां पर सिर्फ पर्टिकुलर कुछ पदों को लेकर के, या फिर इस बार सिर्फ फॉर्म यहां पर सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के अभ्यर्थी ही भर सकते हैं, तो जी ऐसा नहीं है, ना कभी ऐसा कोई फॉर्म आता है। ठीक है, यहां पर देखिए उसके संदर्भ में हमेशा एक टेक्निकल फॉर्म अलग से निकाले जाते हैं। हाँ, कुछ विशेष पदों को लेकर हमेशा हर एक एग्जाम फॉर्म में पर्टिकुलर कुछ विशेष पदों को लेकर कुछ विशेष अर्हताएं आपसे मांगी जाती हैं। ठीक है, और उसको लेकर के आयोग हमेशा अलग से उसको नोटिफाई आपको नोटिफिकेशन में कर देता है जहां ऐसी पोस्ट के बारे में होता है। बाकी यहां पर एक कॉमन एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन पास आपके पास होना चाहिए और वो व्यक्ति यहां पर आपको फॉर्म भर सकता है, और ऐसा इस बार भी यहां पर है। और इसके संदर्भ में यहां पर जो रिक्तियों की संख्या है, इस पॉइंट को यहां पर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। एक चीज और यहां पे देखिए, नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ, यहां पे नोटिफिकेशन जो नंबर्स की बात की गई है ये भी देखिए बढ़ सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको नोटिफिकेशन में हो सकता है आपको 300 से ज्यादा पद आए, 300-500 के बीच हो सकते हैं। फिलहाल पद यहां पे कम है, 220, उसका पीछे का रीजन है क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आया है पिछली बार की अपेक्षा। ठीक है, और इस बार हो सकता है आपको क्योंकि हमने देखा है कि यूपी के कई सारे एग्जाम में नोटिफिकेशन अलॉटमेंट के बाद पद बढ़ाए गए हैं, और इसमें भी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम क्लियरेंस से पहले इसमें भी पद आपको जोड़े जाए, कई बार यहां पर ऐसा किया भी गया है। तीसरी, यहां पर ये 220 जो पद हैं अभी स्टार्टिंग में हैं, और यहां लिखा भी हुआ है कि आवश्यकता अनुसार ये जो है आपको रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो बढ़ने की चांसेस यहां पर आपको ज्यादा है, तो हो सकता है ये और भी बढ़े। और रही बात यहां पे देखिए, इस यहां पे देखिए सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा में जो विवरण यहां पर दिए गए हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडर, और यहां पर सारे पदों के नाम आपको लिखे हुए हैं लास्ट तक, और यहां पर लिखा उपर्युक्त पदों में जिन पदों के अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा में शामिल कर लिया गया है। ये सारी जानकारी है जो पद यहां पर आपको शामिल किए गए हैं। रही बात यहां पर कि कौन से व्यक्तियों के संदर्भ में यहां पर क्या डिमांड की गई है, तो यहां पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि शेष पदों में से स्नातक शैक्षिक अर्हता है जो कि अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जाएंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्नातक अगर आपका डिग्री है तो आप यहां पर फॉर्म भरिए बिना किसी समस्या के, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी दूसरे विचारों के आप फॉर्म जाकर भर सकते हैं। यहां पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है साफ साफ, स्नातक शैक्षिक अर्हता जो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक स्वीकार है, सभी लोग जाके फॉर्म भरें। इसके बाद आरक्षण की बाकायदा यहां पर सूचना है, जानी जानकारी है, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से जो कुछ विशिष्ट पद मांगे गए हैं, जिनके लिए कुछ विशेष अर्हता मांगी गई है, वो ये पद है। टोटल यहां पर आप देख सकते हैं ये 5 पद कह सकते हैं जिनमें आपको विशेष अर्हता आपसे मांगी गई है, जैसे उपनिबंधक है, विधि स्नातक चाहिए, सहायक निदेशक उद्योग है, इसके लिए विज्ञान एवं वाणिज्य के संदर्भ में आपको अर्हता चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री चाहिए, इसी तरह आपको उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सेक्शन सी ऑफिसर जो है इसके लिए गणित एवं सांख्यिकी के संदर्भित व्यक्ति चाहिए, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान है तो यहां पर भी देखा जाए तो विधि के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपको भौतिक यांत्रिक और जैसी डिग्री यहां पर आपको चाहिए, उस विषय से आपको पढ़ा होना चाहिए,
व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक जो है यहाँ पर देखा है, होटल मैनेजमेंट संबंधी यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा है कुछ ऐसे पद हमेशा हर नोटिफिकेशन में होते हैं जहाँ पर कुछ विशिष्ट पदों को लेकर आपसे आवेदन मांगे जाते हैं, लोगों से यहाँ पर डिमांड मांगी जाती है, लेकिन बाकियों के लिए एक शैक्षिक अर्हता के संदर्भ में यहाँ पर आपको कोई भी पद नहीं है। तो वहाँ पर इसके लिए बिना टेंशन के सभी लोग जाइए, फॉर्म भरिए, आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिया है, इसलिए बिना किसी टेंशन के बिना ज़्यादा सोचे विचारे अपनी तैयारी करते रहिए, रेगुलर रहिए। जिनका फॉर्म नहीं भरा है पहले जाके फॉर्म भरिए, फॉर्म लेकर जो समस्या है तो वो मैंने आपको बता दी। सेंटर को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके करंट बेसिस पे आपके एग्जाम सेंटर अलॉट होंगे, स्थायी बेसिस है तो परमानेंट अगर सेम है तो आपको उसमें भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी दिक्कतें हैं वो हम सॉल्व करते रहेंगे। तैयारी को लेकर सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप चैनल पे जो आपको प्रोग्राम है, एमसीक्यू है, टेस्ट सीरीज है, करंट रिवीजन है, जीएस है, वो भी टॉपिक हम करा रहे हैं, उसको भी यहाँ पर जरूर फॉलो करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।